राम राम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ केरल में बहुत भयंकर बाढ़ आ चुकी है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपके थोड़े से डोनेशन से किसी की जान बच सकती है, किसी कोई भूखा नहीं होगा, किसी को खाना मिल सकता है। तो दोस्तों, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, जितना आपको सफिशियंट लगे आप उतना ज़रूर डोनेट करें केरला की बाढ़ के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक दे दूंगा, जिस लिंक पर आप जा कर के डोनेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ही उनकी मदद करेंगे, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन उनकी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा, जिसमें आप जाएं और जहां पर आप जितना आपसे हो सकता है आप उतना डोनेट करें, क्योंकि 5 रुपए में कोई गरीब नहीं हो जाता और 5 रुपए में कोई अमीर नहीं हो जाता, 5-10 रुपए में। लेकिन जितना हो सकता है आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही भाई बहन हैं जो डूब रहे हैं। कि आपके कुछ डोनेशन से किसी की जान बच सकती है, कहीं किसी को खाना मिल सकता है, कोई बेघर हो गया है, काफ़ी लोग मर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप जाओ यार और कुछ थोड़ा तो डोनेट करो, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और सब्सक्राइब करो, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम आपको छोटे से छोटी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यूपी पुलिस 2018 के पेपर की जो रिट डाली गई थी, जिसके बारे में सुनवाई हुई थी, वो 21 तारीख को हुई थी, 21 अगस्त को पिछले सुनवाई हुई थी। और दोस्तों उस टाइम जज ने 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था सरकारी वकील और बोर्ड को, 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप अपना सबूत बताइए या फिर आप ये बताइए कि आपने सेकंड पेपर भी फर्स्ट पेपर सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी कैंसिल क्यों नहीं किया है, जब आपने सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया था। तो दोस्तों 1 हफ्ता कल हो जाएगा, कल इसकी सुनवाई दोबारा की जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कल सुनवाई होने वाली है उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो जहाँ तक दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इसमें समानता का अधिकार सबसे सामने आता है कि भाई अगर आपने सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया है तो फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर कैंसिल करना होगा, क्योंकि समानता का अधिकार का मतलब यहीं पर आता है कि इक्वालिटी सबको समान रूप से दी जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो इसके बाद फिर ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के दिख रहे हैं कि एक और तारीख भी मिल सकती है, अगर कोई छोटा मोटा सबूत या सरकारी वकील या फिर बोर्ड थोड़ा वो कुछ ऐसा लेकर के आते हैं जिससे रिट का केस थोड़ा और ज़्यादा उलझता है, थोड़ा और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसमें कुछ और नई चीज़ सामने निकल के आती है, तो हो सकता है कि 10 या 15 दिन की तारीख एक बार फिर से मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यही दो चीज़ें होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इन दो के अलावा और तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये इस चीज़ के चांसेस कम है कि पेपर कैंसिल ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर पेपर कैंसिल अगर कोई पक्का सबूत लेकर के सरकारी वकील सामने आता है या भर्ती बोर्ड की, जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ जो रिट डाली थी वो बेबुनियाद थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो और उसके अगेंस्ट कोई पेपर आए कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पर कोर्ट ये फैसला ले, फिर कोर्ट के पास ऑप्शन होगा पेपर को कैंसिल ना करने का। ठीक है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है यही दो चीज़ें होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, या तो पेपर कैंसिल हो या फिर एक नई तारीख दे दी जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है हो सकता है एक और नई तारीख मिलने के थोड़े ज़्यादा चांसेस भी दिख रहे हैं। क्योंकि जब पिछली सुन जो पहले कहा गया था कि 21 तारीख को पूरा प्रॉपर फैसला दे दिया जाएगा, फैसला पूरा हो जाएगा कि वो पेपर होगा या पेपर कैंसिल होगा या पेपर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन फिर तब भी वहाँ पर 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया गया था कि 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, लेकिन उस 1 हफ्ते बाद की सुनवाई में ये नहीं कहा गया था कि हाँ 1 हफ्ते बाद की जो सुनवाई होगी उसमें प्रॉपर फैसला दे दिया जाएगा या उसमें तारीख नहीं दी जाएगी। तो जहाँ तक उम्मीद है तारीख भी दी जा सकती है और पेपर कैंसिल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर क्या हो सकता है कल होने वाले फैसले में।
ठीक है दोस्तों, आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जरूर बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब किए तो आप बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि हम आपको हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, राम राम दोस्तों।